कपिल शर्मा और कलर्स चैनल के बीच इन दिनों शीत युद्ध चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये प्रोग्राम कह रहे हैं। कपिल से नाराज कलर्स चैनल उस दिन बिना ब्रेक के बाजीराव मस्तानी दिखाने जा रहा है, जिस दिन कपिल अपना नया शो शुरू करने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो बाजीराव मस्तानी कपिल के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। कपिल का शो रात 9 बजे टेलीकास्ट होगा, जबकि फिल्म 8 बजे से ही शुरू हो जाएगी। ऐसे में कितने दर्शक फिल्म को छोड़कर शो को देखेंगे? बता दें कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल की जगह कलर्स अब कॉमेडी नाइट्स बचाओ का टेलीकास्ट कर रहा है, लेकिन 23 अप्रैल को कोई खास मौका ना होने के बावजूद वो अपना ये शो रोककर संजय लीला बंसाली की ब्लॉकबस्टर फिल्म दिखा रहा है। इसके यही मायने निकाले जा रहे हैं कि चैनल चाहता है कपिल के पहले एपिसोड को खराब टीआरपी मिले, इसलिए चैनल ने फिल्म को बिना एड ब्रेक्स के चलाने का फैसला किया है। बिना एड के फिल्म दिखाने का चैनल को आर्थिक नुकसान उठाना होगा, मगर वो इसके लिए भी तैयार है। उधर कपिल का खेमा इस मुद्दे को तूल देने को राजी नहीं है और उसका तो ये भी कहना है कि एक हफ्ते तो बिना एड के फिल्म चला ली जाएगी, लेकिन क्या हर हफ्ते ऐसा संभव होगा?